अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जी सब्सक्राइबर्स और दोस्तों। सबसे देखिए आज हम बना रहे हैं सात तारीख लाए हूँ जमीन के सरसों का। बता करता हूँ इधर जो सुनाए कि मैं ही मेरे लिए नाश्ता बना रही है। दोपहर के 12 का टाइम है, 12 बजे ही नाश्ता करते हैं क्योंकि शहर में रह के आए तो हमारी आदत होगी ये बना रही चाहिए गाँव का देसी माहौल है। आपको मैं बताता हूँ जो लकड़ी के ऊपर जो खाने बनते हैं ना उसे अलग ही टेस्ट होता है। क्या ही बात होती है, क्या ही बात ही होती है। जो गैस वाले होते हैं उनको टेस्ट लाना पड़ता है, इसमें आ जाता है। ये है हमारे गांव में शादी थी तो वहाँ पे आज खोरमा बन रहा है, शीर खोरमा। तो मैंने कहा आपको इसका थोड़ा सा दर्शन करवा दूँ। ये आज चिकन को धो रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। गाँव में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, गाँव में जैसे किसी की शादी होती है तो सब गाँव वाले आपस में एक दूसरे की हेल्प करने आ जाते हैं। ये गाँव के लड़के ही हैं जो एक दूसरे के साथ हाथ बटाते हैं। ये हमारा जो है ये हमारा हम लोग नाई भी हैं तो हमारी जुबान सराय की में माशाल्लाह। ये देखिए बना रहा है क्या भाई, क्या बना है बने आप ही कोरमा बनाते हैं। मैं आपको सराय की में कुछ बोल के बताता हूँ। ये शादी में जिसके जो है ना तो माशाल्लाह 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 जैका और रौनक ही लग इनवाइट की तो है शादी के खाने 500 बंदा जरा हमसे कोरमा पैसे के लाल नान लेते तो अपन नान ही में रिक्वायर्ड है ना जब तक नान बढ़ सकते हैं नान। अरे जो ये माशाल्लाह क्या स्वाद क्या टेस्ट क्या जायका जबरदस्त जायका है। ये हैं भाई राणा गुलाल भी बैठे हैं, दो राणा अफजल बेटी बेटा है तंदूरी ने ये रोटी बना रहे हैं। ये रोटी बनाने वाले जो है हमारे गांव में आ जाते हैं तो बुला रहे हैं हम लोग साहब। ये बेचारे भी बहुत अच्छे से बनाते हैं ये हमारे रोटी बनाने वाले जो माशाल्लाह पूरी बरात खिलाएंगे अपनी घर पर। ये रोटी बना रहे हैं तो हेलो क्या लेंगे तो आओ मैं ठीक हूँ बनाओ बनाओ रोटी बनाओ। ये बात भी बहुत अच्छे रोटी बना रहे हो आप लोग, शुक्रिया। ये रोटी है ये अभी केरा पानी हो वे फिर उधर आपको स्टेज दिखाता हूँ वहाँ पे केरा पानी हो वे तो तुम कर अब खाना लगाएंगे तो मेहमान वहाँ पे आके खाएंगे। पीला के सावा माशाल्लाह वैसे गांव वालों को मशहूर किया हुआ है बच्चों दे शहरियों ने। ये देखें जी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ हम लोग ने अपना स्टेज लगाया हुआ है मेहमानों के लिए। अभी गोश्त के चिकन को धो रहे हैं चिकन को जब साफ सुथरा अच्छी तरह से धो लेंगे कुछ पक रहे हैं कुछ चिकन धो के बना रहे हैं तो ये बन ही जाएगा तकरीबन आधे घंटे में खाना लग जाएगा। तो रात को बेचारे आ नहीं सकते इसलिए हम जो हमारा वलीमा होता है उस दिन को रखते हैं। बाकी सारे जो फंक्शन होते हैं हमारे रात को होते हैं तो वलीमा वाले फंक्शन है वो दिन को होता है। मिसाले सारे ये हैं बाकी दो तहबाब होते हैं वो आते हैं सॉरी वलीमा खा कर चले जाते हैं। ये देखिए मैं विद प्रूफ चीजें दिखा रहा हूँ आपको। ये उनके मिसाल जात हैं मैं होता कैनवी ये के जे बात सारे बात ही हो रही अल्लाह बंदा और एक यूई इसमें क्या है। ये इसने टमाटर ग्रैंड किए हैं टमाटर और प्याज वो ट्रैक्टर ट्राली आपको नजर आ रहा है उस पर हम लोग जाते हैं बरात ही मानकर माशाल्लाह दुल्हन को लेने। ये हम सब ट्रैक्टर ट्राली गाँव में आज भी सिस्टम है अच्छा गए तो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पतंग क्योंकि आज पतंग जब पसंद कर रहे हैं तो आज मैं पतंग उड़ाने लगा हूँ। मेरे साथ गाँव के बच्चे भी हैं कुछ तो लेट्स सी हाउ फ्लाई द माय पतंग पोड 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 जो के हमारा पतंग नहीं उड़ रहा है काफी अरसे बाद गाइस बड़े पतंग के नहीं उड़ता थे। चलो कोशिश करके देखता हूँ। ओहो थोड़ा थोड़ा उड़ दिया थोड़ा थोड़ा उड़ दिया थोड़ा थोड़ा उड़ दिया। ये हमारे गांव का आज भी बहुत ही पुराना निशान है माशाल्लाह जो मज़ा आ जाता है गांव में आके उतना मज़ा तो नहीं आता क्योंकि खैर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे अब वो रहे नहीं बेचारे अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। ये देखें ये हमारा नाई
فعل یہ خود آتا ہے گاؤں میں آج کرتے یہ آج بھی ہمارا جدید پورا دور الحمدللہ یہ بندہ شیف بنا رہا ہے بندے کی شیف بنا رہا ہے ہمارا نائی گھر میں آتی آج کل کے دور آئے برسوں سے ہمارے بڑے بڑے شیف کرواتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس طرح اس طرح بھی لگتا ہے پوتا وہ اس کو اسٹیج کرتا ہے جیسے کہ اس نے اپنا لطف کرنے والے کوئی آلہ رکھا ہوتا ہے مجھے خیر ابھی نہیں پتا اس کا لیکن اپنا صابن نہیں ہوتا ہے ایک ہی صابن ایک ہی بندوں کے ساتھ استعمال کر کے چلا جاتا ہے میں پہلے بھی ان سے کرواتا تھا اب شہر میں خیر اب میں خود کرتا ہوں شہر میں شیف ساری کو غلط بات ہو جائے گی یہ میرے کزن ہیں ابھی یہ جا رہے شہر تو سب گاؤں والے سے منگوائیں گے تو ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیں ہمارے گاؤں کے ایک ہی شہر بہت دور ہے سب گاؤں والوں سے پوچھ کے جاتے کسی کوئی کسی نے کچھ منگوانا ہو تو میں شہر جا رہا ہوں آپ سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ لا سکتا ہوں جو جس وقت میں جو بھی چیز منگوانے کی ہوتی ہے سب جو بھی شہر جا رہا ہوں ویسے خیر سبزی والے بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں اپنے بچوں پہ اب تو سبزیاں بھی آنے لگے کپڑے والے گروسری برتن ہر چیز یہ دیتے ہیں Thank you.